जय माँ दुर्गा। नमस्कार एवरीबॉडी, दिस इज योर फीम मौनीरा हंस। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना लोकलैक नवरात्रि तथा दुर्गा पूजार बहुत बहुत शुभकामना ज्ञापन करूँ। आशा करती हूँ कि आप सब माता रानी की कृपा से कुशल मंगल होंगे और मैं भी अफ्रीका की मलावी में कुशल मंगल हूँ। दुर्गा पूजा का पर्व माता दुर्गा की बुराई के प्रतीक महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है, अर्थात बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा असम, बंगाल, बिहार, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा, त्रिपुरा में व्यापक तौर पर मनाए जाते हैं एंड अदर स्टेट्स में नवरात्रि के तौर पर मनाए जाते हैं। नवरात्रि शब्द दो संस्कृत शब्द से आए हैं, एक है नव और दूसरा है रात्रि। नव मतलब नंबर और रात्रि मतलब रात। नवरात्रि में माता की अलग अलग रूप की 9 रातों तक पूजा की जाती है, उनमें से एक है माँ दुर्गा की रूप। अभी मैं हूँ अफ्रीका की मलावी में। यहाँ हम सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग मिलकर नवरात्रि मनाते हैं। आज है माता दुर्गा की रूप में पूजा, तो मैं जा रही हूँ मंदिर और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ में लेकर चलो। आप लोग भी माता की पूजा कर लीजिएगा, दर्शन कर लीजिएगा मेरे साथ साथ। तो चलिए जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए, मैं तो ऑलमोस्ट रेडी हूँ। सिर्फ दुपट्टा लेना है और बैग वगैरह ले लेती हूँ। आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए, शाम ढलने लगी है, अभी रात हो जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए, हम लोग मंदिर में जाएंगे, माता की पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। और क्या क्या होता है वहाँ वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं तो ऑलमोस्ट रेडी हूँ ही। जो जो चीज़ें लेना है वो सब ले लेती हूँ, फिर हम साथ में चलते हैं। ओके, अभी निकल रही हूँ मंदिर के लिए। दुर्गा पूजा का एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों। हमारे देश भारतवर्ष में जब थी तब पूजा के टाइम पे मैक्सिमम देश में माता के दर्शन के लिए जाती ही थी। पूजा के साथ साथ हम लोग मेले में भी बहुत एंजॉय करते थे, स्पेशली हमारे आसाम में, और पूजा से पहले बहुत शॉपिंग करते थे। पर अच्छी बात ये है कि यहाँ पे भी माता के दर्शन करने को मिलते हैं। सो गाइस, अभी मंदिर आके पहुँच गई हूँ, चलिए अंदर चलते हैं, माता के दर्शन कर लेते हैं। लीजिए दोस्तों, माता की दर्शन कर लीजिए। जय माता की। माता सबको सद्बुद्धि दे। ये मेन मंदिर है और माता को मंदिर की दूसरी ओर भी रखा गया है, वहाँ पे माता की आरती होंगे। पहले यहाँ पूजा करूँगी। देखिए यहाँ लोग गरबा कर रहे हैं, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं भी करूँगी गरबा, पहले आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही हूँ। देखिए की
अभी आरती का टाइम हो गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ माता की 9 रूप को रखा गया है, क्योंकि यहाँ नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं, तो 9 रूप रखा गया है इधर। और देखिए कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, इधर भी देखिए बहुत सारे लोग हैं। आरती स्टार्ट हो गया है दोस्तों, आरती के बाद बात करते हैं। इधर प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोग लाइन में लगे हैं, देखिए इस तरफ भी बहुत बड़ा लाइन है। माता के दर्शन के बाद सब लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मैंने प्रसाद ले ली है, ये देखिए आप लोग, ये है प्रसाद। और आप लोगों को इधर दिखाती हूँ, देखिए कितने सारे लोग फ्लोर पे बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। गाइस आज यहाँ इतना भीड़ है ना, हम सब प्रसाद फ्लोर में बैठ के ही ग्रहण कर रहे हैं। खा लेते हैं ओके, उसके बाद बात करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद लोग डांडिया करने लग ही गए हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक्चुअली यहाँ मैक्सिमम लोग भारत के गुजरात से हैं, तो नवरात्रि में यहाँ डांडिया तो होते ही है। चलिए अभी बीच पे चलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माता की। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी माता की अलग अलग अवतार को रखा गया है, देखिए आप लोग। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैक्सिमम लोग यहाँ गुजरात के हैं, पर भारतवर्ष के अलग अलग प्रांत के भी लोग यहाँ पे हैं। लोग यहाँ बहुत ही अच्छे से गरबा और डांडिया करते हैं। तो दोस्तों अभी मंदिर से जा रही हूँ घर। आप लोगों को मैंने दिखाने की कोशिश की यहाँ यानी कि अफ्रीका की मलावी में किस तरह से नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय माँ दुर्गा।